आप में से कितने लोग सोने से पहले दांत साफ करते हैं? वेल, साइंटिफिक रिपोर्ट्स की रीसेंट स्टडी ने पब्लिश किया है कि अगर आप ज्यादा ब्रश करें तो आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो सकते हैं। इस स्टडी में कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया एट ओसाका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जापान फॉर एग्जामिनेशन सर्जरी या ट्रीटमेंट। ये स्टडी 20 साल से ऊपर की उम्र के पेशेंट्स में किया गया। इसमें जो डेंटल डिपार्टमेंट के पेशेंट्स थे उनको चार ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप MN यानी कि मॉर्निंग एंड नाइट, जो दिन में दो बार ब्रश करते हैं। ग्रुप M जो मॉर्निंग में ब्रश करते हैं। ग्रुप N जो नाइट को ब्रश करते हैं। और ग्रुप None जो कभी ब्रश नहीं करते। इस स्टडी में फर्दर पार्टिसिपेंट्स की एज, जेंडर, स्मोकिंग हिस्ट्री और फॉलोअप रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया गया। इनफैक्ट इन ग्रुप्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी इवैल्यूएट किया गया। इनके ब्लड सैंपल से ये कंक्लूड हुआ कि जो ग्रुप्स मॉर्निंग और नाइट या इवन नाइट को ब्रश करते हैं उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल हायर रहते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप None। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? क्या आप दिन में दो बार ब्रश करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।